जाने जानिए संभोग कितनी देर तक चलना चाहिए इसके बारे में बातचीत करने वाला मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ज महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां पिछले सैंतीस साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं काफी लोग हमें ऑडियो कॉल्स वीडियो वीडियो कॉल्स करते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं कि संभोग कितनी देर तक चलना चाहिए हमारा वीर्य जल्दी निकल जाता है वीर जल्दी हो जाता है अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है मैं क्या करूं मैं खुश नहीं हूं मेरी औरत खुश नहीं है और फिर हमारे झगड़े हो रहे हैं क्या करना चाहिए तो ऐसा है कि संभव कितनी देर तक चलना चाहिए तो वो मिनट का सवाल जब आता है कि कितने देर तक मतलब कितने मिनट तक तो अभी ऐसी स्टडीज है और ऐसा डीएसएम फिफ्थ का क्राइटेरिया जो है पांचवा डीएसएम पांच का क्राइटेरिया है कि एक मिनट से कम यदि हो गया वीरपात जल्दी हो गया एक मिनट से जल्दी वीरपात हो गया तो वो अर्ली डिस्चार्ज बोलते हैं शीखर पतन बोलते ज्यादा है तो शीघ्र पतन नहीं बोलते पहले इसको दो मिनट के पहले होता था तो, हो है है। तो इससे समाधानी मिलनी चाहिए इसमें काम आनी चाहिए इसमें ऑर्गेनिज्म होना चाहिए यदि ऑर्गेजम तो नहीं होता है कामोपूर्ति का अत्युच्च आनंद जो है एकदम हाइएस्ट लेवल आनंद की अत्युच्च परिसीमा जो है वो यदि उनको मिलती नहीं है ऐसा लगता है कि नहीं और समय तक चलना चाहिए था संभोग और समय तक होना चाहिए था तो इसका मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री संभोग नहीं है तो कितने देर तक चलना चाहिए दोनों को सुख मिलना चाहिए उतने देर तक चलना चाहिए यदि एक को भी ऐसा लगता है कि नहीं और चलना चाहिए था तो इसका मतलब वो जल्दी हो गया तो अभी पुरुष का यह काम है कि भाई स्त्री को उसमें कामोपूर्ति हो रही कि नहीं हो रही क्योंकि स्त्री की काम पूर्ति होने को थोड़ा टाइम लग जाता है और इसलिए उसने पहले फोरप्ले करना जरूरी है स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग उसको उद्दीपित करना जरूरी है उंगली से जी स्पॉट को उद्दीपित करना जरूरी है वजैना को जो एक इंच का जो बाहरी भाग है उसको उद्दीपित करना जरूरी है अच्छा फोरप्ले करना जरूरी है और वो यदि करते हैं और जब वो स्त्री बोलती है कि नहीं अभी सेक्स चालू करो संभोग चालू करो बाद में यदि लिंग का प्रवेश योनि में करते हैं तो दोनों का करीब करीब साथ साथ हो जाएगा और नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि स्त्री का पहले हो जाएगा और पुरुष का बाद में होगा और वही होना चाहिए यदि पुरुष का पहले हो गया वीरपात जल्दी हो गया तो क्या हो जाएगा लिंग शिथिल हो जाता है और लिंग शिथिल हो गया जल्दी हो गया वीरपात तो, तो फिर बाद में संभोग चालू रखना कठिन होता है और स्त्री असमाधान्य रहती है स्त्री का होता ही नहीं है फिर उसमें फिर चिड़चिड़ापन आता है उसको लगता है कि नहीं और चालू रखना चाहिए था और ये पुरुष चालू सकता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आते हैं दोनों का एक साथ होना बहुत मतलब रेयर हो सकता है या एक साथ करना बहुत उसको मतलब प्रैक्टिस लगेगी कि एक साथ दोनों का होना है कोई ना कोई पहले यदि हो जाता है यदि आदमी का पुरुष का पहले हो गया तो उसने स्त्री का बाद में हाथ से करके देना चाहिए तो संभव कितनी देर तक चलना चाहिए उसका जवाब यह है कि दोनों को जब ऐसा लगता है कि अपनी कामों पूर्ति हो गई है दोनों को अच्छा लग रहा है तब तक चलना चाहिए नॉर्मली जो है एवरेज स्टडीज में पाया गया है कि ये चार से पांच मिनट चलना चाहिए चार से पांच मिनट संभोग चालू करने के बाद तो अभी तक इतना ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो थैंक यू वेरी मच